नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का। जनपद बहराइच में विकास खंड महसी के ग्राम सभा डोकरी में नालियों की हालत बहुत ही खराब है। इस परेशानी से आम जनता त्रस्त है। नाले में भरी गंदगी की दुर्गंध से ग्रामीण परेशान है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ की नालियाँ टूटी फूटी हुई हैं, जिनसे तमाम बीमारियां फैलती हैं। उनका कहना है कि सफाई कर्मी कभी नहीं आता। जब ग्रामीणों से कहते हैं कि सफाई पर ध्यान दो, तो सफाई कर्मी का कहना है जो करना है कर लो, मैं काम नहीं करूंगा। और तो और उसका यह भी कहना है कि अधिकारी मेरे रिश्तेदार हैं, ये गांव के लोग खुद सफाई करें। बता दें कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए शुभुही खान की रिपोर्ट। समस्या का बेटा नाली भरा है, यह समस्या है। इसका कोई सफाई करने आज तक इसका कोई देखे नहीं आवा, कोई नहीं आवा, आज तक कोई अब नहीं। कम से कम हाल ही में होते बिटिया की इतना इतना पानी भरा थे कितने है, जब हाल हो बहुत तकलीफ होते बिटिया, बहुत तकलीफ होते। फिर अपने बूथ सफाई करने में अपने बूथ से साफ करे थे, पूछ कहाँ से कोई से नहीं चले। यहाँ जो कोई आओते बिटिया देखभाल चला जाते हैं, यहाँ कोई आवत है। तो 10 साल प्रधान नहीं कर रहे, 10 साल से प्रधान जी तो गरीब के रहे हैं और 5-6 साल तो हमारे घर के रहे प्रधान के, लेकिन तब नहीं है साल कुछ साल कोई नहीं, तब हूँ कोई कुछ नहीं। कोई हमें खाली दस्तक बनाए पैसा निकालने चले जाए, हमारा कोई यहाँ भरोसा ना रहा। ठीक, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के ग्राम डोकरी में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी कर रहे हैं अपनी मनमानी। दरअसल सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का कोई लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। बता दें कि प्रति मकान गरीब परिवारों से रिश्वत में 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। पैसा ना होने के कारण गरीबों को मजबूरन टूटी फूटी झोपड़ियों में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान की दबंगई को देखते हुए आम जनता परेशान है। आज जनता का कहना है कि जब पैसा ही पड़ रहा है तो सरकार की योजना कैसी। वहीं आला अधिकारी भी इस पर मौन है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए जैनब खान की रिपोर्ट। आपका नाम? अनुमार। ग्राम? जोहरा मरोचा। गांव? मरोचा। मौजा क्या लगता है? मौजा डोकरी। आपकी परेशानी क्या है? परेशानी है कि हमको रहने के लिए मकान नहीं मिल रहे हैं जी। हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। कोई योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा? योजना नहीं मिल रहा है। प्रधान से मिले? प्रधान से मिले, प्रधान कहते हैं योजना आने के बाद बताएंगे, हर बात यही बताते रहते हैं। तो ये जो नाली की समस्या दिख रही है आपके, तो इसको कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी नहीं, आया? नहीं, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी कोई सफाई कर्मी कुछ नहीं, नाली खुद साफ करी। तो बरसात में इसका क्या हाल है? बरसात में यहाँ जिका निकल पाओगे निकल नहीं, गर्मा बैठा है। और जो आप बता रहे प्रधान झाड़ रहा है, यहाँ कुछ ना भैया, प्रधान ने क्या कहा? प्रधान कहते हैं कि जब योजना आएगी बताएंगे, ये कहते कहते 10 साल प्रधान, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, तो प्रधान तो वोट के टाइम तो बिल्कुल, हाँ वही सही है, इलेक्शन नहीं था भैया, बिचम नहीं। ऐसा कर क्या हो गया कि आप लोग जब आवाज उठाएंगे मिलकर यहाँ आवाज चाहे जितनी उठे कुछ ना आवाज, यहाँ आवाज उठा करियो का जब सब कुछ कुछ मेहनत है तो यहाँ करियो का। तो ये आपने इससे पहले कब कहा है? इससे पहले ने कम से कम मान चलो 10 साल से आए, कहा चले कुल डाला कहा चाहो को मेहन कहा चले आए, जब 10 साल से हाँ तो वाजा बनवाए के रहा जितनी वत्तीन पर साफ ही का हम घर भर करी थे, बाकी 200 मीटर नाली साफ करी थे। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान के नाम है रीता सिंह। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।